खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। भारतीय टीम के सबसे सफल ओपनर रहे गौतम गंभीर आज 38 साल के हो गए हैं। गंभीर ने 2007 वर्ल्ड T20 में भारत के खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। गौतम गंभीर के टीम इंडिया में रहते हुए ही टीम इंडिया ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। इसके अलावा उन्होंने अपना नाम एक राष्ट्रवादी और परोपकारी व्यक्ति के रूप में किया है। तो आइए जानते हैं गौतम गंभीर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। वर्ल्ड T20 2007 और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी शानदार पारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने इन दोनों फाइनल में 57 और 97 रनों की पारी खेली थी। भारत ने आखिरकार ये दोनों फाइनल जीतते हुए खिताबी जीत अपने नाम की थी। जमकर बोला था और वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। इसी साल उन्हें ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्होंने साल 2008 में भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाए थे। दिलचस्प की बात तो ये है कि भारतीय टीम गौतम गंभीर की कप्तानी में कभी भी मैच नहीं हारी है। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी 6 वनडे मैचों में की और टीम इंडिया ने ये सभी मैच जीते थे। गंभीर ने लगातार 5 टेस्ट मैचों में 5 शतक लगाए थे। उनके अलावा इस कारनामे को अंजाम देने वाले बल्लेबाज ब्रेडमैन कैलिस और मोहम्मद यूसुफ है। गौतम गंभीर को उनकी राष्ट्रवादिता और मानवतावादिता सोच के लिए जाना जाता है। वो अक्सर राष्ट्र संबंधी मामलों में अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। और गौतम गंभीर छत्तीसगढ़ और जोहरा में शहीद हुए जवानों के बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राजनीति में भी अपनी अहम पारी का आरंभ किया और उन्होंने अपनी इस नई पारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। गौतम गंभीर ने क्रिकेट के मैदान पर देश के लिए अहम योगदान दिया, जहां वो भारत की तरफ से एक सफल ओपनर रह चुके हैं। गंभीर अपने बेखौफ और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। युवाओं को तो उनका ये अंदाज बेहद पसंद है। उन्हें एक ईमानदार क्रिकेटर और इंसान के रूप में देखा जाता है। गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पूर्व दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।